पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में गर्लफ्रेंड के महंगे शौक में युवाओं को आरोपी बना दिया, जिसकी वजह से सभी आरोपी युवा नकली नोटों के कारोबार में तेजी से आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सफलता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शहर की पागवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उसने लगभग 6 लाख के नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी हरियाणा में अपने मालिक के यहाँ 60 लाख रुपए चुरा कर फरार थे, जिसमें इन सभी के खिलाफ वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है। यहाँ ये नकली रुपए के साथ खुद को पकड़वा कर मालिक को भी झूठा फंसाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इनकी सारी मंशा पर पानी फेर दिया। फिलहाल शहर में नकली नोटों का मास्टरमाइंड पुलिस गिरफ्त से फरार हो गया। पुलिस गिरफ्त में आए संबल के असमोली निवासी नरेश हरियाणा के सोनीपत में विजेंद्र दहिया के यहाँ काम करता था। करीब 1 महीने पहले जितेंद्र दहिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जितेंद्र दहिया कोई जमीन खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसने घर में 60 लाख रुपए रखे हुए थे। ये राज नरेश को पता था, उसने इसे चोरी करने का प्लान बनाया और अपने गांव के महेश सैनी और विजेंद्र को मिला लिया। 17 मई की रात से विजय दहिया के घर से 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहां इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें हरियाणा पुलिस ने विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 19 से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए। नरेश जब किसी भी तरह से पुलिस के चुंगल से बचना चाहता था, उसने अपने परिवार वालों को चोरी की रकम सौंप दी और मझोला थाना निवासी अपने चचेरे भाई गजेंद्र से संपर्क किया। गजेंद्र ने दोनों को श्रीपाल शर्मा नामक व्यक्ति से मिलवाया। सीओ हाईवे ललन सिंह के मुताबिक श्रीपाल शर्मा ने दोनों से कहा कि जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, जिस पर उसने दोनों को 2,000 रुपए की नकली नोटों की गड्डियां यानी 4 लाख रुपए दिए और प्लान बनाया कि इसे पागवाड़ा में चलाने की कोशिश करना। जब तुम्हें पुलिस पकड़ेगी तो कह देना कि विजय दहिया नकली नोटों का धंधा करता है, जिस पर उसे दबाव में लेकर उससे केस वापस करवा लेंगे। इसके लिए उसने दोनों से 1 लाख रुपए की डिमांड भी की। इससे पहले पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और कड़ाई से और सख्ती से पूछताछ में सारा राज उगल लिया। उधर श्रीपाल को नकली नोट डबल फाटक निवासी मदार अली से लाकर दी थी, उसने 50,000 में से ये रुपए दिए थे। इस घटना के बाद वो फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अब उसे बड़ा सवाल है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर में इतने बड़े पैमाने पर नकली नोट का धंधा चल रहा है और पुलिस बेखबर है, जिससे उसकी सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल दिनांक 31 मार्च को पुलिस के मुखबिर द्वारा हम लोग सूचना मिली कि दो व्यक्ति कुछ नकली नोट लेकर आ रहे हैं। इस पर उच्चाधिकारी सूचित करते हुए हम लोगों ने अपने TVS शोरूम के पास में 24 मार्च एक टीम लगा दी, जिसपे नरेश कुमार पुत्र निरंजन सिंह ग्राम नासरपुर थाना नखासा जनपद संभल और महेश कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी नासरपुर थाना नखासा संभल को 2,000 रुपए के नोटों के 200 नोटों की 4 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने अपने नकली नोटों के बारे में नरेश पाल ने बताया कि हम हरियाणा में एक जितेंद्र दहिया सनाफ रामफल निवासी सिसाना थाना खरकौंदा जिला सोनीपत हरियाणा के यहाँ नौकरी करते थे। 1 महीने पहले उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया था। वो ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, उनके घर में 60 लाख रुपए रखे थे, ये हमें जानकारी थी, और इन लोगों ने उसको चोरी करने की योजना बनाई। उस पर एक दोस्त को अपने विजेंद्र को भी इन्होंने शामिल किया और वो 60 लाख रुपये चोरी करके भाग निकले। 60 लाख रुपए को खपत करने के लिए ये यहाँ भाग गए, जिसमें विजेंद्र वहीं बंटवारा हुआ इनका, 20-20 लाख रुपए तीनों के बंटवारे हुए। विजेंद्र वहीं हरियाणा में गिरफ्तार हो गया, ये दोनों घर क्षेत्र में गांव भाग गए। पैसे को तो इन लोगों ने अपने घर में रख दिया और ये बचत का इधर उधर भटकने लगे। भटकते समय इनके एक चचेरे भाई हैं राजेंद्र, जो सूरनगर में रहते हैं, यहीं से एक वकील साहब जो अभी बता रहे थे, इनका नाम है श्रीपाल शर्मा जी से मुलाकात हो गई। इन्होंने अपनी योजना बनवाई और इनसे कुछ पैसे की मांग की, इन्होंने हामी भर ली और उस पैसे के साथ में इन्होंने राजेंद्र शर्मा ने इन्हें 6 लाख रुपए बरामद कराए दिए, नकली नोट दिए और योजना बनाई कि तुम्हारे श्रीपाल ने नकली नोटों की 6 लाख रुपये इन्हें दिए, 4 लाख रुपए अपने पास इन लड़कों को दे दिए और 2 लाख रुपए अपने पास रखे रहे। उसी योजना के तहत ये लड़के हम लोगों के यहाँ गिरफ्तार होना चाह रहे थे। गिरफ्तार तो हमारे हम लोगों ने इनको पकड़ा तो, लेकिन इनका मुकदमा हरियाणा में लिखा था 60 लाख चोरी का,
और उसी 60 लाख चोरी में उनकी भी पुलिस घूम रही थी। ये भागदौड़ में इस तरह से हमको मिल गए। जब कड़ाई से हम लोगों ने शर्मा जी से पूछा तो शर्मा जी के पास में हमको 2000 के 96 नोट मिले, और 96 नोट मिलने के बाद हम लोगों ने एक मुकदमा पंजीकृत किया इनके खिलाफ 131/19 धारा 489 सी, और इसकी सूचना हम लोगों ने हरियाणा पुलिस को भी दे दी कि इस समय पकड़े गए हैं। ये सूचना हरियाणा पुलिस को भी पहुंच गई और इतना इनका प्रकरण हरियाणा में इनका मुकदमा कायम है 170/19 457/380 आई पी सी। सर पहले भी क्या इस तरह के नोट चलाना, नकली नोट चलाने का प्रकरण के मामले में? इनके साथ तो हमारे थाने में तो इनके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं आई थी, इस तरह का प्रकरण नहीं आया। जिसके थ्रू मिले थे उसके बारे में तो जानकारी की जा रही है? इनके बारे में जानकारी हम लोगों ने की, जो श्रीपाल शर्मा जी हैं इनके बारे में जानकारी की, तो अभी और खंगाला जा रहा है इनका रिकॉर्ड, कुछ प्राप्त होता तो आपको गांधी को फंसाने के लिए पूरा खेल खेला। ये श्रीपाल शर्मा ने 60,000 रुपये खत्म कर खपत करने के लिए एक योजना के तहत इन लोगों को उसको योजना बनाई। कैसे वकील ने इसको मतलब जाली नोट जो लेकर आया था, तो जो वकील का और उसका जहाँ से जाली नोट लेकर आया, वकील ऑलरेडी पहले से इसको जानता था क्या? ये जिसके यहाँ से ये लाए हैं क्या, मदर अली सनाफ इजहार अली के यहाँ से, तो वो पहले भी एक दो बार शायद उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत था। हम लोग उसको खंगाल रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। जो नोट की बरामद हुए ये नकली है? ये नोट जाली हैं, फर्जी नोट हैं ये। ठीक सर, कितने नोट हैं ये? 296,000 592,000। सर जो मास्टर माइंड है, जो वो पूरा इस जो ये दिवाकर शर्मा है, ये ज़्यादा मास्टर माइंड है। ये लड़के तो अपने बचत का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा सजेस ये नहीं, जो नकली नोट छापने वाला जो ये नकली छाप छापने वाला यही का है, ये हड्डी मेल के पास डबल फाटक का रहने वाला, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग प्रयास, टीम लगी हुई है, अब भी हमारे यहाँ लोग गए हैं।